ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल भाई उस गांव मखड़िया राखी गढ़ी जिसका विश्व पटल पर नाम है, यानी जो दावा कराया गया जो खुदाई चल रही है यानी हड़प्पा कालीन संस्कृति के करीब 5000 साल पुराने जो अवशेष पाए जाने का दावा कराया गया, और आज विश्व पटल पर राखी गढ़ी का यानी विश्व मैप में राखी गढ़ी का नाम है और एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी बनने लग रहा है। और लगातार जो इतिहास और बहुत सारी धरोहर इस गाँव में मिली गई, लेकिन उसके साथ साथ आज एक और बड़ा कारनामा इस गाँव में होया। अपने हरियाणा की ज़्यादातर अगर आप बात करें, अगर किसी की तूतू मैम हो जाए या किसी की थोड़ी सी भी खिंचातानी हो जाए, थोड़ा बात कर एक आदमी एक डांट मारे अनुगारतों के जज लग रहे हैं, कहावत है यार। लेकिन हमारी बाण खड़ी है नंदिता, इस गांव की बेटी और बहुत कम उम्र की बेटी, या आज असली में जज बन गई। इसने तो कोई उताना दे नहीं सकता तो के जज लग रही है, तो सॉरी जज बन गई भाई, बहुत बड़ी बात। तो बहन जी सबसे पहले आपने बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। एक बार पूरा परिचय दे दो आप अपना। मेरा नाम नंदिता है, मैंने इस वर्ष पंजाब जुडिशरी क्लियर किया है। अच्छा, पूरा परिचय, घर परिवार, दादा दादी, माँ बाप सब का बारे में बता दो। ठीक है, तो मेरे पिताजी हैं, इनका नाम श्री जगदीप अत्री है, मेरे दादाजी श्री गुलजारी लाल हैं, और मेरे परदादाजी यहाँ से विधायक रहे थे, उनका नाम श्री पंडित रामेश्वर दास शास्त्री है। हाँ जी, तो मेरे दादाजी और परदादाजी का तो जन्म राखी गढ़ी का ही है। अच्छा, और अभी कहाँ रहते हो फिर? अभी हम पंचकुला रहते हैं कुछ सालों से। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब कम देखे देखे लागे रहोगे घने दूर। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, उम्र आपकी? मेरी उम्र 23 वर्ष की है अभी। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब कब आपका यू जज्बा अंदर में पैदा होया कि भाई जज बनना है? बहुत बड़ी चीज़ हो। हाँ जी, तो मैं 10वीं कक्षा में थी जब मुझे एक जगह सम्मानित किया गया था मेरे स्कूल में ही, तो वहाँ पे एक जज को देख के मैं बड़ा इम्प्रेस हुई थी कि नहीं, मुझे वकालत करके जज ही बनना है, जुडिशरी के ही पेपर देने। तो मैंने 11वीं 12वीं में लीगल स्टडीज़ का सब्जेक्ट ले लिया था, फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ करी, और मेरी पिछले वर्ष ही वकालत पूरी हुई है 2022 में, और 2022 का ही अक्टूबर का पेपर था और अभी रिजल्ट आया है 2023 में। अच्छा, हाँ, रिजल्ट कब घोषित हुआ? कल? नहीं, 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर। हाँ जी, मतलब बड़ा बेसब्री से इंतजार रहो इस चीज़ का, कब रिजल्ट आवे। तो मतलब 11 ने रिजल्ट आया था, तो उससे पिछले दिन की अगर आप बात करें तो मतलब किस तरीके की फीलिंग चल रही थी रिजल्ट? मतलब दो तीन दिन से कह रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा, तो दो तीन दिन तो ना मैं, मम्मा, पापा तीनों सो नहीं पाए थे। फिर सुबह मेरे दोस्तों ने मुझे कह दिया कि रिजल्ट अभी इस हफ्ते नहीं आएगा, अगले हफ्ते आएगा। मुझे पता नहीं था कि वो झूठ है, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, पर मैं बिल्कुल शांत मेरी दीदी के घर गई हुई थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था आज रिजल्ट आएगा। और वहाँ आराम से बैठे थे, एकदम से किसी का फ़ोन आया, वो कहते पापा का नाम क्या है, गुड न्यूज़ हो सकती है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे ही बोला कि हाँ आप जज बन गए हो। अच्छा। तो हाँ जी, फिर मैंने पीडीएफ देखा, मैं कहा अच्छा रिजल्ट आ गया है। हाँ, कई बार निभाग रहे हैं खुशी खुशी में, भूख कौन लग गया कर दिए। तो जब रिजल्ट आया उससे पहले कुछ थे इस तरीके के मोमेंट? हाँ, मतलब दो तीन दिन तो बिल्कुल ऐसे बेचैनी हुई हुई थी, ना नींद आ रही थी ना सोया जा रहा था, क्योंकि एक साल का पेपर होता है, प्रीलिम होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, एक साल की मेहनत लगी होती है, तो वो दो तीन दिन तो मन में ये चल रहा होता है आज क्लियर हो गया तो पूरी लाइफ के लिए सेटल है, नहीं तो एक साल फिर लगेगा कोई और पेपर देने में। तो वो तीन चार दिन तो मुश्किल थे, लेकिन रिजल्ट आया उसके बाद लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई है। मैं तो घर पे रहती हूँ, तीन चार दोस्त हैं, उसके अलावा ज़्यादा बात भी नहीं होती है, पर इतने लोग बधाई देने आए, इतने सारे लोग खुश थे, तो हाँ एकदम से सफलता फील हो रही है, अब हो रही है। थोड़ा इस चीज़ के बारे में जो मैंने बताया था कि एकता ना कह लो, एक डांट इस तरीके की मारी जावे कि तो जज लग रहे हैं, तो मतलब या किस तरीके की मतलब फीलिंग है अंदर इस चीज़ की, कोई नहीं कह जा रहा है तो जज कितना बड़ा नाम है? नहीं, ये तो है, बट जो भी दिया है भगवान का दिया हुआ है। मेरे को तो ये लगता है कि तो आपकी है। नहीं, मेहनत तो है, लेकिन मेहनत भी बहुत सारे लोगों की इकट्ठे लगती है। अकेला इंसान अगर बैठ जाए कि मैं जज बनूंगा तो नहीं, कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकता है, माँ बाप परिवार सबका, और मुझे लगता है भगवान का पूरा आशीर्वाद होता है, उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए, और बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स के कारण आज ये पॉसिबल हुआ है। तो हम्बल तो रहना ही चाहिए, लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो तो चाहे जज बन जाओ, चाहे इससे भी आगे अभी तरक्की हो, तो भी हम्बल रहना चाहिए, अपने रूट से जुड़े रहना चाहिए। देखो अनुगाह रहे हैं भाई, जज बन के बहुत बड़ी बात है, और हर कोई जज बन भी नहीं सकता, हर कोई जज बन के सोच भी नहीं सकता, लेकिन इस उम्र की अगर आप बात करें, पिछले 1-1.5 साल तक इस एरिया की जहाँ तक मतलब हम कवर करा हैं, लड़कियाँ चाहे 10वीं का रिजल्ट है, उसके बाद प्लस टू का रिजल्ट है, UPSC का है, मतलब बहुत सारे रिजल्ट हैं। गेम की भी आप बात करें तो 10 में से 9 लड़कियां, मात्र 1 लड़कियां। लड़कियां आज पहले तो कहा करते भाई लड़की मतलब लड़कों के बराबर, लेकिन आज लड़कियां लड़कों से आगे हैं, ये तो है। क्या मानो आप इसका कारण? क्या मानो? मुझे तो ये लगता है लड़कियां बहुत मेहनती होती हैं, सिंसियर होती हैं, उनके दिमाग में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, उन्हें लगता है कि जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है इसी को क्रैक करना है,
और इतनी ज़्यादा लड़कियाँ जज सिलेक्ट हुई हैं। मेरे साथ हम मजाक करते थे, मतलब सब दोस्त लोग, तो हम कहते थे कि अब लड़कों के लिए रिजर्वेशन करनी पड़ेगी क्योंकि लड़कियाँ तो लगी रही हैं जज सारी ही लड़कियाँ, पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई करती ही लड़कियाँ, लड़के काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं घूमना और सारे काम में। जिस उम्र में कामयाब होने की उम्र, वो शौक पूरे करना, हाँ लड़के शौक पूरे करने लग जाते हैं लेकिन लड़कियाँ अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती हैं। और जो ये सब एग्जाम्स में सफलता है ये पढ़ाई से ही है, सबसे पहले आपकी पढ़ाई, इतनी बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आप में मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। एक तरफ 23 साल की बेटी जज बन जाए, एक तरफ 23-24 साल की वो बेटी हमें है जो मतलब सोशल मीडिया पर इतनी फोड़ता फैला रखी है, इतना गंद फैला रखा है। मैं मतलब ये नहीं कहता कि लड़के भी, लेकिन लड़कियाँ तो मतलब वो लड़कियां शायद अपने माँ बाप की तरफ ये नहीं देखती कि भाई आप सोशल मीडिया पे क्या दिखा रहे हो, और आपकी कामयाब होने की उम्र में वो केवल सोशल मीडिया तक सीमित, हालांकि वहाँ से कुछ नहीं मिलता, मात्र एक फेस वैल्यू, और वो भी जिसा काम करेगा उस चीज़ की फेस वैल्यू, तो उनको क्या कहना चाहोगे? जो भी लाइफ में हम कर रहे हैं ठीक है, लाइफ प्रोग्रेस करिए, सोसाइटी भी प्रोग्रेस करिए, बट आई थिंक हमें अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए, जो संस्कार और संस्कृति है और ये सभी का आशीर्वाद है, तो इससे ज़्यादा आई थिंक कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। जो लोग पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो पैसे से भी कोई एंड नहीं है, आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आपके आसपास के लोग खुश होंगे। फेस वैल्यू की अगर बात करी जाओ तो फेस वैल्यू भी दो तरीके की, अच्छी और एक बुरी। बुरी फेस वैल्यू हो जाएगी, लेकिन जो आप दिखा रहे हो अगर आपका परिवार नहीं देख सकता तो समाज में तो गलत मैसेज आएगा उसका। हाँ नहीं, ये तो है, बात बिल्कुल ठीक है। हाँ अच्छा, थोड़ा मतलब अपनी मेहनत और संघर्ष के बारे में आप ये बताओ, क्योंकि और जो बेटियां हैं मतलब उनका ये सपना है कि मैं भी जज बनूं, उसका अपना देख के किसी का आज ही सपना ले ले कोई वीडियो देख के भाई नंदिता जज बन सकती है तो मैं क्यों नहीं, तो मतलब किस तरीके के एफर्ट करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और किन किन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा? देखो मेहनत तो लगती है और ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, अगर मैं कर सकती हूँ, मैं भी बिल्कुल साधारण सा जीवन जी है, साधारण सी ही तैयारी लगती है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है बचपन से ही। आप जिस दिन भी सोच लोगे उसके 1-1.5-2 साल अगर आप अपनी पूरी मेहनत कर लोगे तो आप कोई भी सपना लो वो पूरा हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग से दूर रखा था खुद को, मैंने फ़ोन बंद किया हुआ था 1 साल के लिए और रूटीन बनाया हुआ था कि मुझे दिन में 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आप एक ऐसे रूटीन में ढल जाओगे, इतने बड़े एग्ज़ाम्स लोगे तो इतना रूटीन करना ही पड़ेगा, बट ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, खुद को थोड़ा सेल्फ मोटिवेट करते करते अगर आगे बढ़ते रहोगे तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितनी भी लड़कियाँ यहाँ पे बन रही हैं उन्हें ड्रीम्स बिल्कुल हाई रखने चाहिए, वो कहते हैं ना अगर चांद की तरफ देखोगे तो तारे मिलेंगे, तो ड्रीम तो इतना हाई होना चाहिए कि कोई छोटी चीज़ भी मिले तो वो भी बहुत बड़ी हो। सही बात। हाँ जी, तो देखो लास्ट सवाल एक और रह गया। हाँ जी। कि एक बहुत बड़ी पावर हो है। हाँ जी। कोई भी गरीब इंसान या एक आम इंसान किसी चीज़ का लड़ाई झगड़ा उसका कोई केस है, जब वो थाने तहसील सारी चीज़ों का मतलब कहा भाई यार थक है, वो लास्ट में एक ही बात कहा करे भाई कोर्ट में चले जाओगे, यानी आखिरी जो इंसान का सहारा वो कोर्ट हो है, और कोर्ट में देखो सबसे बड़ी कुर्सी जज की हो, उसके ऊपर मतलब पूरा दारोमदार किसी की ज़िंदगी, किसी की मतलब सजा, सारी चीज़ एक जज के ऊपर होती है, तो मतलब किस सोच के साथ आप फैसले करने की मतलब अपना मन में सोचिए? मेरा तो ये मन है कि भगवान ने अगर इतनी क्षमता दी है, उस कुर्सी पे बिठाया है कि मैं साइन कर सकूं, तो मेरे हाथ से कोई भी गलत साइन ना हो। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जस्टिस के तहत जो भी लॉ के प्रोविजंस हैं, लॉ के तहत कोई गलत काम मेरे हाथ से ना हो, कि जिसको भी जस्टिस जिस भी तरीके से मिल सकता है वो मिले, जो भी लोग मेरे कोर्ट में आ रहे हैं वो अनकंफर्टेबल ना फील करें कोर्ट के काम में, उनकी बात सुनी जाए, वो अनहर्ड ना जाएं, उनकी बात सुनी जाए, लिखी जाए, और जस्टिस जिस भी फैक्ट्स पे हैं लॉ को देखते हुए उन्हें जस्टिस ज़रूर मिले। एक चीज़ तो ज़रूर बोल दी, राखी गढ़ी काम की बेटी है, राखी गढ़ी वाले नहीं हो गया होगा कि मैं चीज़ों मारी छोरी भाई कोर्ट में देख लें, एक मजाक की भगवान ना हाजिर नाजिर समझ के न्याय करिए। कह रही है भगवान ने यह पोस्ट दी है और यह न्याय करने खातिर दी है, यह बहुत बड़ा पद से यू, और जो कोई आदमी गलती करे गलती ने मानने नहीं, अगर भाई मेरे पर गलती होएगी उस पर कुछ आदमी रहम भी कर सके, जो गलती ने मान ले, और जो गलती में जरे करे नहीं ना इस भगवान को हाजिर नाजिर समझ के और उसका असली न्याय करना चाहिए। और जो देश विदेश में बिकजे हैं नहीं, जो सेठ साहूकार वह भी अपनी मातृभूमि में आके कोई न कोई गौशाला पाठशाला मंदिर घाट वाला वह जरूर बनावे सें, क्यों अपनी मातृभूमि का मोर ममता हो सें। हाँ, इनके पिताजी हैं, एक सवाल, आप तो आपकी बेटी जज बनी है तो आपने कितनी खुशी है? भाई ऐसा है कि ये एक आदमी की कोई मेहनत नहीं है, ये सब बहुत लोगों की दुआएँ और प्रार्थना साथ है, और मेरे को बहुत खुशी है। और ये जो बाबा जी ने कहा है
ये मैं इनको अक्सर बचपन से ही कहता रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो भी लेश मात्र अंश है वो है तो इस धरती का ही ना जी। तो मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि भाई जो हम हैं अपनी कलम से, चलो इस पे तो कलम थी, हमारे पे तो कलम नहीं थी, जब हमारे पे कलम नहीं थी हमने तो भी किसी आदमी की कोई परेशानी हुई ना तो अपने दिल और भाव से दूर की, तो परमात्मा ने आज वो कलम भी दे दी भाई। देखो एक बाप के लिए बहुत बड़ी बात हुआ है, नुगागर एक बाप की जो कमाई हुआ उसकी औलाद हुआ है, औलाद ईशा भी कर दे, बाप ने सारी उम्र बढ़िया करा वो एक दिन में खो दे, ईशा भी कर दे नाम चमका दे, तो आपकी बेटी ने भी शायद, हाँ बेटी ने हमारी ने नाम चमकाया, मेरा कल्ला थोड़ी चमकाया जी, जड़ जाम रही है मेरे गाँव का, पूरे लक्का का, पूरे हरियाणा का, हिंदुस्तान का, इसको तो उस बात का पता नहीं, मैं खुद यहाँ का अंश हूँ तो ये तो हमारे अंश के आगे अंश है, तो ये यहाँ की इस धरती को अब कितना बड़ा सम्मान, उनका फ़ोन आया कि भाई हम आपको खाप पे बुलाना चाहते हैं, तो कोई उसका ठिकाना थोड़ी है कि हम इस धरती पे हमारी मातृभूमि पे खड़े हैं, और भगवान ने और ईश्वर ने और आप लोग जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं तो हमारे बुजुर्ग हैं ना जी, आप मुझसे छोटे हो उसको वहाँ मेरे दादाजी भी खड़े हैं, ये दादाजी भी खड़े हैं, तो इनके अंदर के अंश पता नहीं कब इन्होंने सोचा होगा, पूरा इसके माध्यम से। चलो बड़ा बड़ा धन्यवाद, टाइम कम, इस परिवार ने जो है भाई बाहर जाना है क्योंकि पंचकुला ही परिवार रहे है, और आपने देखा है कि एक बेटी, यानी पिछले में एक डेढ़ साल की बात करने लग रहा हूँ कि जब से मतलब दसवीं का रिजल्ट आया, जितनी कवरेज हमने करी, चाहे एक बेटी थी दिशा ढोल जो रामराय गांव की बेटी थी, वो गेम में मेडल लेके आई थी, दसवीं क्लास में अभतपुर गांव की एक बेटी थी जिसने हरियाणा टॉप कराया था, यानी हर फील्ड में ज़्यादातर जो है लड़की आज हर फील्ड में आगाण लग रही है, लेकिन जितने हमारे युवा साथी हैं जो हमारे तो छोटे हैं, और ज़्यादातर जो 15 और 20 साल की उम्र में है, यानी उन तुम्हारी एक ही गुजारिश है कि जरूर आप इसी सी जो बेटी हैं या जो बेटे हैं जो मेडल लेके आए हैं उन्हें देखो और उन तक कुछ ना कुछ शिक्षा लो। सोशल मीडिया की जो दलदल में लोग फंस रहे हैं, यानी जो युवा लगातार इस चीज़ में दस्ता जाने लग रहे हैं और गंदगी का शिकार होता जाने लग रहा है भाई, उन्हें सीखना पड़ेगा क्योंकि यही उम्र आपकी आगे बढ़ने की, यही उम्र आपकी कामयाबी की है, तो जरूर आपने अपने विचार रखने हैं। इस बेटी ने जो बात कही उनमें आपका क्या मानना है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपके सोच विचार के हैं, हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर देने हैं। जय जवान जय किसान।